हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी नॉवल। और हम लोग ने साइंस क्लास 7 की साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4। चैप्टर 3 में हमने फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि एनिमल फाइबर्स होता है और प्लांट फाइबर्स होता है। जो एनिमल फाइबर्स होते हैं उनसे बहुत तरह की चीज़ें बनती हैं, या वुलन क्लोथ्स बनते हैं, और जो प्लांट फाइबर्स होते हैं उनसे भी कॉटन क्लोथ्स बनते हैं। ठीक है, अब ये जो क्लोथ्स होते हैं ये कॉटन क्लोथ्स हम समर्स में पहनते हैं, और जो वुलन क्लोथ्स होते हैं ये हम विंटर में लेते हैं पहनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेन देखा जा रहा है कि कब हम कौन से कपड़े पहने और क्यों पहने, किस रीज़न से पहने। वुलन क्लोथ्स हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। ठीक है, गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं कि वो हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। ठंडा इन द केस कि हम वुलन क्लोथ्स तो पहन नहीं सकते, तो कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, जिससे एयर पास होती है और आराम से हमें गर्मी का जितना गर्मी होती है उसके अकॉर्डिंग गर्मी नहीं फील होती। ठीक है, क्योंकि जो एयर होती है वो पास करती है इधर उधर, तो कॉटन क्लोथ्स में। और यही अगर हम वुलन पहन लें तो हम बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाएगी और हमें बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। यानी कि कहीं ना कहीं हमें ये पॉइंट समझ में आता है कि ये जो गर्मी लगना और ठंडक लगना की जो फीलिंग है, ये कहीं ना कहीं हमें फील होता है कि कब गर्मी हो रही है और कब गर्मी हो रही है, और इसके अकॉर्डिंग जो भी क्लोथ्स हमें ज़रूरी होते हैं वो हम उसको पर्टिकुलर सीज़न में उसको लेते हैं और पहनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है कि जो विंटर्स होते हैं जब, तो उसमें हमें क्या लगता है, हमें बहुत ज़्यादा ठंडक लगती है, जबकि हम घर में भी रहेंगे तो भी हमें वहाँ पर ठंडा फील होता है। ठीक है, और समर में भी अगर हम समर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और हम घर के अंदर रहेंगे तब भी हमें वहाँ पर गर्मी फील होती है। ठीक है, तो इस पूरे पॉइंट से, इस पूरे पैराग्राफ से हमें यही समझ में आ रहा है कि ये एक तरह की फीलिंग है कि कब हमें गर्मी लग रही है और कब हमें सर्दी लग रही है। ठीक है, तो इसी को लेते हुए, इसी फीलिंग जो कि उन्होंने फाइबर टू फैब्रिक से इसको रिलेट करते हुए, उसके क्लोथ से, वुलन क्लोथ और कॉटन क्लोथ से रिलेट करते हुए इस चैप्टर की तरफ आएँ कि अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में हॉट और कोल्ड होता क्या है और हम किस कंडीशन में किस तरह के क्लोथ्स को पहनते हैं। ठीक है, और ये क्यों होता है और ये किस तरह की क्या है फीलिंग है और इसको मेजर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मेजर करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इस चैप्टर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम दो तरह के थर्मामीटर पढ़ने जा रहे हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबॉरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, इसके साथ साथ हम तीन प्रोसेस को पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एक तो है कन्वेक्शन, एक है कंडक्शन और तीसरी है रेडिएशन। ठीक है, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि यूपीएससी या उससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली एनसीईआरटी है तो ये इम्पॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने हेडिंग की तरफ, हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, हमारी जो रोज़ की ज़िंदगी है उसमें हम क्या फील करते हैं, कि जैसे कि आइसक्रीम है तो वो किस तरह की है, वो कोल्ड होती है। स्पून इन अ टी कप, अगर कोई स्पून है, चम्मच है, वो टी कप में रखा है तो वो कैसा होगा, ऑब्वियसली वो वार्म होगा या हॉट होगा। फ्रूट जूस कोल्ड होगा। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, अगर वो बर्नर पर है तो वो कैसा होगा, हॉट होगा। ठीक है, तो मतलब कहने का ये, हमारी बॉडी में सेंसर्स हैं जिसके थ्रू हम ये परसीव करते हैं कि किस तरह की कौन सी चीज़, कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो गर्म हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स ठंडे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये बात बताया गया, जैसे कि टी है, टी जो है वो गर्म होती है और जो आइस होती है वो ठंडी होती है। ठीक है, और जो भी बहुत ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम लोगों को उसे छूना नहीं चाहिए। यहाँ पे ये लिखा है डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, क्योंकि उससे क्या हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हम जल जाएंगे। इसलिए हमें जो कैंडल फ्लेम है या स्टोव है उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये क्लास 7 के बच्चों को पढ़ाई जा रही है, इसलिए ये यहाँ पे प्रिकॉशन लिखा हुआ है कि आप जो भी इसमें रिलेटेड एक्टिविटीज़ करिए तो स्टोव से या कैंडल से अपने को बचा के काम करिए, बहुत ही केयरफुली काम करिए, और टीचर के सुपरविजन में लैब में ये काम करिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यह हम अपने चारों तरफ क्या देख रहे हैं कि बहुत से ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो कि कुछ कोल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं, और कुछ गर्म होते हैं। ठीक है, और कुछ एक दूसरे के, अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स रखें जो दोनों गर्म हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और कुछ होते हैं जो उससे कम गर्म होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये वैरी करता है अलग अलग इंसानों को लेके और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को लेके, ये सब वैरी करता है। तो हम किस तरह डिसाइड करें कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो हॉटर है या कौन सा कोल्ड है, तो उसके लिए कोई एक यूनिट होना चाहिए जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले अभी हम एक्टिविटी कर लेते हैं 4.1। इसमें हमें क्या कर लेना है, तीन बीकर ले लेना है या तीन मग्स भी ले सकते हैं, कोई भी कंटेनर्स। उसमें क्या करना है, पहले वाले में
ए में हमें थोड़ा सा गर्म वाटर जो है, वॉर्म वाटर, जितना हम हमारे हाथ को गर्म लगे, जलने ना पाए, ठीक है, इसको प्रिकॉशन लेना है और उसको रखना है। उसके बाद दूसरे में हमें ठंडा वाटर डाल देना है, फ्रीजर फ्रिज से निकाल के हमें वाटर को इसमें डाल देना है। और ये जो थर्ड है, इस कंटेनर में एक बार पढ़ लेते हैं, पुट कोल्ड वाटर इन अ कंटेनर है, सॉरी, यहाँ पे ए में इन्होंने कोल्ड वाटर डाला है एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी। बी में इन्होंने क्या क्या डाला है? हॉट वाटर डाला है। उसके बाद इन्होंने मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन सी, इसमें इन्होंने मिक्स कर दिया है, यहाँ पे कोल्ड है और यहाँ पे हॉट है, ठीक है। तब इन्होंने ये किया है कि एक हाथ अपना कोल्ड में डाला और एक हाथ हॉट में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इस एक्टिविटी में क्या किया, इन दोनों हैंड्स को अपने एक साथ निकाल के इसमें डाला, ठीक है। तो जो कोल्ड वाला हैंड था, जो जिसे जो ठंडे पानी में डाला हुआ था, उसे जब इसमें डालते हैं तो उन्हें क्या फील होता है? ये गर्म फील होता है। और जो हॉट होता है हाथ, वो फील होता है इनको ठंडा, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये हमारे सेंसेशंस हैं जिनसे हमें पता चल रहा है कि एक्चुअल में जो है वो नहीं पता लग रहा है, लेकिन जो हम फील कर रहे हैं वो हमें पता चल रहा है। यानी कि अगर हम सिर्फ फीलिंग के बेसिस पे, अपने सेंसेस के बेसिस पे इस हीट के, जो हीट है उसको अगर समझने की कोशिश करें, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। इसलिए एक इसकी पूरी स्टैंडर्डाइज यूनिट हो, जिससे, या इसके उसके लिए मेजरमेंट टूल्स हों, जिससे हमें पता चले कि क्या चीज़ गर्म है और क्या चीज़ ठंडी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं, बूझू बूझू सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इज इन मग, सी इज़ हॉट एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड, वॉट शुड आई कंक्लूड, ठीक है। ये यहाँ पे यही कन्फ्यूज़ होता है कि मेरा एक हाथ ये कह रहा है और दूसरा हाथ ये कह रहा है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक यूनिट बनाई गई, जो कि एक रिलायबल मेजरमिंग यूनिट है, जिसको कहा जाता है टेम्परेचर, ठीक है। ये टेम्परेचर जो होता है, इससे हमें पता चलता है कि क्या चीज़ गर्म है और क्या चीज़ उसका क्या क्या टेम्परेचर है, ठीक है। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई, जिसको कहा जाता है थर्मोमीटर, ठीक है। ये याद रखिएगा, थर्मोमीटर के थ्रू हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं कि ये चीज़ नेगेटिव में जा रही है, ठंडी है, या ये पॉजिटिव में जा रही है, गर्म है, ठीक है। तो इसके थ्रू हमें यहाँ पे दो पॉइंट पता चले कि हम किसी को अगर टेम्परेचर को हमें, या हॉटनेस को हमें मेजर करना है, तो वो हम किसके थ्रू करेंगे? टेम्परेचर के थ्रू। और जो मेजरमेंट, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, वो है थर्मोमीटर, ठीक है। अब हम किस तरह से थर्मामीटर को यूज़ करेंगे, ये अब देखेंगे। मेजरिंग टेम्परेचर, अब यहाँ पे पहली बार आपको बताया जा चुका है कि दो तरह के थर्मामीटर हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, जो कि ज़्यादातर हम अपने घरों में, जब भी हमें फीवर होता है, तो जो ग्लास टाइप की एक वो होती डिवाइस कह सकते हैं इसको, हमारे घरों में होती है, तो हम उसके थ्रू, यानी कि उसको थर्मामीटर कहते हैं, और वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करती है, और इसीलिए उसको कहा जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। अब ये देखते हैं कि वो एक्चुअल में होता कैसे है। तो देखिए, वो इस तरह का दिखता है, ठीक है, पूरा ग्लास से बना हुआ है ये, आगे यहाँ पे ट्यूब लगी हुई है, और ये पूरा उसका स्केल दिया है कि जिसके थ्रू हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। अब आपके जैसे स्केल दिए जाते हैं, वो दो तरह के स्केल इसमें दिए जाते हैं। एक तो होता है, देखिए, ऊपर की तरफ दिख रहा है डिग्री सेल्सियस, और नीचे की तरफ फॉरेनहाइट, ठीक है। अब डिग्री सेल्सियस में हम 35 to 42 मेजर करते हैं जो टेम्परेचर होता है, और जो हमारा फॉरेनहाइट है उसका भी अपना एक स्केल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि हम इसको, अब यहाँ पे है कि हम मेजर कैसे करेंगे। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं इसको, कि इसकी डिज़ाइन कैसी है एक बार। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, ठीक है, जिसमें क्या फील्ड होता है? मर्करी फील्ड होता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, लेकिन वो ग्लास ट्यूब से कवर रहता है, तो इसलिए वो हमारे लिए वहाँ पे हार्मफुल नहीं होता, और हमारा टेम्परेचर इजीली मेजर हो जाता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन, ठीक है, अगर हम उसे सही से देखेंगे एक डायरेक्शन पे, तो वो हमें पूरी लाइन दिखेगी जब भी टेम्परेचर हम मेजर करेंगे। इफ़ यू डू नॉट सी द मर्करी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल यू सी इट, ठीक है, अगर आप हल्का सा उसे रोटेट करेंगे तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। और उसको हम जिस स्केल में मेजर करते हैं, थर्मामीटर को, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो वो है सेल्सियस स्केल, जिसको डिग्री सेल्सियस से डिनोट किया जाता है। अब देख लेते हैं बूझो क्या कह रहे हैं। बूझो वॉन्टेड विच ऑफ टू स्केल्स शोन हाउ ही शुड रीड, पहली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल, ठीक है। उसमें हम लोग ने दो स्केल देखे थे, एक डिग्री सेल्सियस और एक फॉरेनहाइट। तो इंडिया ने जो अडॉप्ट किया है, वो एक्चुअल में क्या है? डिग्री सेल्सियस है, जिसके थ्रू हम उसको पढ़ते हैं। और जो फॉरेनहाइट स्केल है, वो 94 to 108 डिग्री फॉरेनहाइट स्केल है, जो कि पहले यूज़ किया जाता था। लेकिन एक्चुअल में अगर अभी भी हम देखें, तो डिग्री सेल्सियस तो यूज़ करते हैं हम, लेकिन
अगर हम फीवर के केस में देखें तो हम यही बोलते हैं, हाँ उसको 104 बुखार है, इसको 98.6 या 100 टेम्परेचर है। तो देखा जाए तो हम इसको ही, फॉरेनहाइट को ही यूज़ करते हैं। हाँ इंडिया ने अडॉप्ट डिग्री सेल्सियस ही किया है, लेकिन हम लोग घरेलू उस पर जो यूज़ करते हैं वो फॉरेनहाइट करते हैं, ठीक है, जो कि जिसकी रेंज 94 to 108 डिग्री होती है फॉरेनहाइट, ठीक है। लेकिन हमारे जो क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रीडिंग है वो है 35 से लेकर 42। आपको ये याद रखना है कि ये कितनी रेंज है, 35 से 42 है, और फॉरेनहाइट की रेंज है 94 to 108, ठीक है। और जो हमारी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर है, वो अगर डिग्री सेल्सियस में देखें तो 37 होगा, और अगर फॉरेनहाइट में देखें तो 98.6 होगा, ठीक है। टू इसको अगर हम रीड करें तो कहते हैं 98.2, 98.4 एंड 98.6, ठीक है। तो जो 37 टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, और 98.6 फॉरेनहाइट डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट जो है वो भी एक नॉर्मल टेम्परेचर है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा डिग्री सेल्सियस या फॉरेनहाइट में, ये पिक्चर बिल्कुल आपको डिनोट कर रही है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है। अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी 4.2, जिसमें हम प्रॉपरली चेक करेंगे कि हम किस तरह से थर्मामीटर की रीडिंग को लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या कर देना है, टेम्परेचर डिफरेंस देखना है कि जो भी इसमें मार्किंग की गई है उसमें किस तरह से डिवीजन किए गए हैं और उसको किस तरह से पढ़ा जाता है। तो पहले हम प्रिकॉशन ये ले लेते हैं कि हम कैसे थर्मामीटर को ऑब्ज़र्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, थर्मामीटर को बहुत ही अच्छी तरीके से उसको वॉश करना है किसी भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। उसके बाद उसके मर्करी लेवल को देखना है कि वो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो ही हो। यहाँ पे पूरे चैप्टर में हम फॉरेनहाइट की बात नहीं करेंगे, अभी मैंने आपको बता दिया कि वैसे तो हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इंडिया में अडॉप्ट क्योंकि डिग्री सेल्सियस किया गया है इसलिए पूरे में हम लोग डिग्री सेल्सियस की ही अब बात करेंगे, ठीक है। जितना फॉरेनहाइट से रिलेटेड आपको बताना हमें इम्पॉर्टेंट लगा वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो हम अब कभी भी जब भी उसमें टेम्परेचर देखेंगे तो वो देखेंगे कि वो 35 डिग्री से बिलो हो, ठीक है। फिर क्या करेंगे, रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। जहाँ से हमको दिखेगा हम उसे रोटेट करके उस लाइन को, मर्करी की लाइन को देखेंगे। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ है और इसके अंदर मर्करी है। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट्स इट कैन बी ब्रेक, ठीक है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल्ड रीडिंग, ठीक है। जिस टाइम पे हम उसको होल्ड करें, उसे पकड़ें, तो उस टाइम पे हम उसे आगे से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि आगे ही जो मर्करी है वही टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है, ठीक है। और अगर हम आगे से पकड़ेंगे तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई टेम्परेचर होता है, तो उसकी वजह से उसमें प्रॉपरली जो रिज़ल्ट होगा वो एक्चुअल नहीं आएगा, इसलिए हमें उसे पीछे से पकड़ना होगा, ठीक है। अब यहाँ तक कि मार्किंग की बात बता रहे हैं वो आपको बताई जा चुकी है कि आपको क्या करना है कि वन स्मॉल डिवीजन को 0.2 डिग्री सेल्सियस लेके चलना है और इस हिसाब से उसको रीड करना है। और जब भी आप उसको धोएंगे, वॉश करेंगे, उसके बाद आपको एक जर्क देना है। जर्क जैसे ही आप देंगे तो वो फॉल हो जाएगा नीचे की तरफ, उसका जो लेवल है वो गिरने लगेगा, और गिर के वो 35 से जब बिलो चला जाए तब आप उसे यूज़ करेंगे। क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें जब भी आप अपना फीवर लेंगे, फीवर लेने के बाद जब आप उसको रख भी देंगे तो आपका जो भी टेम्परेचर होगा वो उस पर उतना वो रहेगा, ठीक है। जब आपको नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ करना हो तो आप उसे धो के वॉश करने के बाद फिर उसे जर्क देंगे, जब वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर आ जाएगा तब आपको अपने मुंह में लगा के उसको नेक्स्ट रीडिंग लेना होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बात अभी कैसे क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्योंकि ये इसमें यही डिफरेंस है क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबॉरेटरी थर्मामीटर में, यही डिफरेंस आता है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बात करें, वही बात ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हमें टंग के नीचे रखना है और 1 मिनट तक रीडिंग उसकी लेनी है, उसके बाद हम उसको डिग्री सेल्सियस में देख लेंगे कि हमें कितना फीवर है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, नॉर्मल है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। पहली ने क्या किया, सोचा कि चलो अब हम क्या करते हैं, अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो जब उसने टेम्परेचर मेजर किया तो देखा कि बिल्कुल एग्जैक्ट 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। तो देखिए ये एक एवरेज होता है, ठीक है, जैसे कि और बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। पहली का 37.1 भी हो सकता है, ठीक है, या 0.2 भी हो सकता है, या बिलो भी हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि ये जो आपको एक स्टैंडर्ड बताया गया है अगर इसके ऊपर नीचे है तो कोई प्रॉब्लम है,
बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, और पूरे दिन का एक चार्ट बनाया जाता है जिसमें देखा जाता है कि आपका एवरेज बॉडी टेम्परेचर क्या आ रहा है। ठीक है, अब पॉइंट करते हैं एक्टिविटी 4.3 को, देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहे हैं। मेजर द, अब ये हमें करना है यहाँ पे एक्टिविटी के, बहुत सारे जो पर्सनस हैं उनको क्या करना है, उनका टेम्परेचर यहाँ पे नाम लिखना है और यहाँ उनका टेम्परेचर यहाँ पे नोट करना है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात करते हैं, इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस है, बॉडी टेम्परेचर का डिफरेंस है, सबका एक साथ नहीं हो सकता, ये एक एवरेज है, ये बात हम लोग समझ चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ओनली। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो भी उसकी रेंज है यानी कि 35 से नीचे नहीं जा पाएगा और 42 से अबव नहीं जाएगा। इसीलिए ये थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर जो है डिज़ाइन किया गया है ह्यूमन बॉडी के लिए सिर्फ। ठीक है, और ये और ऑब्जेक्ट्स के लिए या और भी किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे लिए नहीं है, यूज़फुल नहीं है। दैट इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मामीटर हैज़ द रेंज 35 to 42। ठीक है, इसके बीच में हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्योंकि वेरी करता है, इसलिए ये क्लिनिकल थर्मामीटर सिर्फ हमारी बॉडी के लिए है, किसी और ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है। बुजो गॉट अ नॉटी आइडिया, बुजो को एक नॉटी आइडिया आता है, वो सोचता है यहाँ पे हॉट मिल्क रखा हुआ है, ऐसा करते हैं ये थर्मामीटर डाल के इसका टेम्परेचर लेते हैं, लेकिन पहले इसको रोक देती है। रीज़न यही होता है कि ये उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा कि क्या होगा, आपका जो थर्मामीटर होगा वो वहीं पर ब्रेक कर जाएगा और टूट जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिकॉशन आपको लेना है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। डू नॉट चूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अदर देन द ह्यूमन बॉडी। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द टेम्परेचर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट मे ब्रेक। उसको अपने रेंज से ज़्यादा गर्मी मिलने पर वो वहीं पर टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको प्रिकॉशन लेनी है कि सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो कि उसकी रेंज के अंदर है आपको वो लेना है, अदरवाइज़ बाकी चीज़ें छोड़ देना है अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि अगर हमें किसी भी और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लेना है तो हम किसके थ्रू लें, तो इसके लिए आ जाता है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर, जिसके थ्रू हम किसी और ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। देयर आर अदर थर्मामीटर्स, वन सच अ थर्मामीटर्स इज़ नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये आपको पूरा दिखाया जा रहा है, देखिए कितना बड़ा सा है, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 तक। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं और इसकी उसको अच्छे से एक बार ध्यान से देख लीजिए कि ये कैसा है। ठीक है, नीचे बल्ब है, पूरी ग्लास ट्यूब है और ये पूरा स्केल यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन द वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर। यानी कि अगर हमें गर्मी या वेदर रिपोर्ट में जो टेम्परेचर आता है वो इसी के थ्रू यूज़ किया जाता है, जो भी मैक्सिमम या मिनिमम होता है। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, इसका हाइएस्ट और लो लेवल देखना है, जो कि रेंज इसकी है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जबकि हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर की इतनी रेंज नहीं होती है, वो होती है 35 से 42। ठीक है, अब हम एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि इसको हम कैसे, इसका मेजरमेंट किस चीज़ों के लिए यूज़ किसको करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टैप वाटर लेना है जो कि बीकर में या किसी मग में डाल देना है। फिर हमें इस थर्मामीटर को उस वाटर में डाल देना है, डिप कर देना है, लेकिन बिल्कुल जो बॉटम है उसको टच नहीं करना है कंटेनर का। ठीक है, उसको हल्का सा बॉटम से ऊपर उसको रखना है और ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, यानी कि वर्टिकली बिल्कुल ऐसे सीधा उसको लेना है। फिर हमें क्या करना है, धीमे धीमे हम देखेंगे कि जो भी मूवमेंट हो रहा है, मरकरी का जो मूवमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, वो बढ़ने लगेगा। फिर हमें उसको वेट करना है कि जब तक कि वो बिल्कुल रुक ना जाए एक जगह पे मूवमेंट, तब हमें उसको फिर देखना है। ये पढ़ लेते हैं, इन एडिशन टू प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, द लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड बी केप्ट अपराइट, नॉट टिल्टेड। टिल्ट नहीं करना है, बिल्कुल सीधा रखना है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का या जिस ऑब्जेक्ट का हम टेम्परेचर ले रहे हैं उसको थर्मामीटर के चारों तरफ उसको होना चाहिए, उसके बल्ब, क्योंकि मेन तो बल्ब ही है, उसी से टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है। तो द बल्ब शुड नॉट टच द सर्फेस ऑफ द कंटेनर, ठीक है, और सर्फेस को से टच नहीं करना है, उससे हल्का सा ऊपर रखना है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो भी लिक्विड है वो इसके इस पोर्शन के चारों तरफ है और हमें इसको बिल्कुल सीधा रखना है। ठीक है,
है, उसके बाद उसमें जो भी रीडिंग आती है उसको हमें नोट कर लेना है। पूछो, नाउ अंडरस्टैंड व्हाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द हाई टेम्परेचर्स बट स्टिल वंडर्स वेदर अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर दिस बॉडी टेम्परेचर। मुझे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता था वो हाई टेम्परेचर को मेजर नहीं कर पाता था और जो लेबॉरेटरी है वो कर ले रहा है। ऑब्वियसली उसके स्केल में डिफरेंस है, ठीक है, स्केल में डिफरेंस हो, इसकी रेंज ही वही नहीं है। अगर हम कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 के बीच में नहीं है और उसको तब भी हम उसको मेजर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो स्केल में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये इसके दिमाग में सब बातें आ रही हैं। अब हम अपनी पढ़ते हैं एक्टिविटी 4.5। इसमें हमें क्या करना है, हॉट वाटर लेना है बीकर के अंदर और थर्मामीटर को उसमें डाल देना है। अब क्या होगा कि जो भी टेम्परेचर आता है हमें उसे नोट कर लेना है। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर। उसके बाद हमें क्या करना है कि उस थर्मामीटर को वाटर से बाहर कर लेना है। हम क्या देखेंगे कि जैसे ही हम उसको बाहर करते हैं जो भी उसकी रेंज आ रही थी, सपोज 100 डिग्री सेल्सियस था या उससे 90 डिग्री सेल्सियस था, तो जैसे ही हम उसको पानी से निकालेंगे, हॉट वाटर से जैसे ही बाहर करेंगे, वैसे ही टेम्परेचर में जो मरकरी दिख रही थी उसका लेवल जो होगा गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जबकि हम क्या करते थे, जब क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते थे तो उसमें तो ऐसा नहीं होता था क्योंकि हम ऑब्वियसली जब मुंह से निकालेंगे तभी उसको देखेंगे और उसमें ऐसा नहीं होता था। तो क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के केस में, क्लिनिकल थर्मामीटर में या लेबॉरेटरी थर्मामीटर में, कि हम उसको नहीं चेक कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पढ़ेंगे, यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। कैन यू देन यूज द लेबॉरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बूझो को यहाँ पे ख्याल आ रहा है, वाई द लेवल ऑफ मर्करी शुड चेंज एट ऑल, ठीक है, वेन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज ब्रॉट इन द कॉन्टेक्ट ऑफ विद अनदर ऑब्जेक्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे। एक्चुअली जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें यहाँ पे किंक होता है, ठीक है, और जो लेबॉरेटरी थर्मामीटर होता है उसमें यहाँ पे किंक नहीं होता। तो जो भी लेवल, जैसे हम जो भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो जैसे ही हम हटाते हैं वो वापस नीचे अपनी रेंज में नीचे गिरने लगता है। लेकिन जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें किंक की वजह से जो भी टेम्परेचर हम एक बार मेजर करते हैं वो गिरता नहीं जब तक कि हम उसमें जर्क ना दें। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस भी पूछे जाएंगे आपकी एक्सरसाइज में, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मरकरी यूज़ करते हैं, और मरकरी यूज़ करने, ये एक मेटल ऐसी है जो कि टॉक्सिक है, और जब भी इसको इससे क्या एक डिसीज़ हो जाती है जिसको कहते हैं मिनी मार्टर डिसीज़। तो मिनी मार्टर जो डिसीज़ होती है वो मरकरी की वजह से होने की वजह से इसको अवॉइड किया जाता है कि हम इस तरह के क्लिनिकल थर्मामीटर को इस फॉर्म में ना लें, यानी कि मरकरी का यूज़ इसमें ना करें, ठीक है। तो आजकल हम क्या यूज़ करते हैं, डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं जिसमें क्या होता है कि मरकरी का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने अभी क्या पढ़ा, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबॉरेटरी, दो थर्मामीटर हमने अच्छे से पढ़ लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। क्या होता है कि हीट का, जैसे कि नाम है कि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट एक तरफ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रही है। एक्चुअल में क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं कि जो भी यूटेंसिल्स होते हैं वो हमारे बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी हीट ट्रांसफ़र होता है। और अगर हम देखें कि जैसे ही हम फ्लेम पे क्या करते हैं, हमारे जो बर्तन होते हैं खाने के वो हम रखते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं, ठीक है। जो पैन होता है तो पैन को हम जब तक फायर पे रखे रहते हैं वो गर्म रहता है, जैसे ही हम उसको बाहर हटा देते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो हमें ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं हीट फ्लो हो रहा है एक जगह से, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर बॉडी की तरफ क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्रोसेस के लिए, हम इस चैप्टर में ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले देखते हैं कि पहले क्या पूछ रही हैं। पहली आस्क, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ टू ऑब्जेक्ट इज सेम। बिल्कुल सही बात ये कह रही है, बिल्कुल भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी अगर यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट्स रखे हैं और उनका टेम्परेचर सेम है। एग्जाम्पल अगर हम लें, सपोज यहाँ पे अगर इनका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। और अगर इन टेम्परेचर सेम नहीं होगा तो हीट ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। और हमेशा गर्म जो चीज़ होगी उससे ट्रांसफ़र होगी कोल्डर ऑब्जेक्ट्स की तरफ। इस बात को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि जितने भी केसेस होंगे, हीट फ्लो जो हो रहा है वो हमेशा
हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ही होगा। ठीक है, अब हम अपनी एक्टिविटी 4.6 कर लेते हैं। ये बहुत ही एक्टिविटी है, इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और क्या हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या कर लेना है, कोई भी मेटल की एक स्ट्रिप ले लेना है, आयरन की भी हो सकती है और एल्युमिनियम की भी हो सकती है। ऑब्वियसली हमारे पास स्टैंड नहीं है तो हम उसको दो ब्रिक्स के बीच में ऐसे लगा देंगे और इसमें वन बाय वन जो वैक्स होता है, मोम है, वो यहाँ पर चिपका देंगे। उसके चिपकाने के बाद हम एक तरफ कैंडल रख देंगे। तब हम क्या देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट का फ्लो हो रहा है और फ्लो होते होते यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक जो वैक्स लगा हुआ है ड्रॉप वाइज वो गिरता जा रहा है। पहले फर्स्ट, फिर सेकेंड, ऐसे करके फिफ्थ तक ये गिरता जा रहा है। तो इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पर हीट का फ्लो हो रहा है, तभी ये एक एक करके यहाँ पर गिर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इससे ये समझ में आया कि हीट का फ्लो होता है और किस में हो रहा है, मेटल्स में हो रहा है। ठीक है, तो हमें ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई कि हीट का फ्लो होता है। अब इस प्रोसेस को कहते क्या हैं, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। यहाँ पे ये हॉटर एंड था और ये जो एंड था ये हमारा कोल्डर था। तो हॉटर एंड से कोल्डर एंड में हीट का ट्रांसफ़र होने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, हम कंडक्शन कहते हैं। और ये किस में होती है, जनरली सॉलिड्स में होती है। और सॉलिड्स अभी किस में होगी, जो कि कंडक्टर्स होंगे। कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि हीट का कंडक्शन करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ हीट की बात करें तो हीट की कंडक्शन की बात करेंगे, वैसे वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हीट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है एज इट इज़ वो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात की कंडक्शन किस में हो रहा है, सॉलिड्स में हो रहा है। ठीक है, जनरली किस में होता है, सॉलिड्स में होता है। अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, अब हम दूसरा एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें हम ये देख रहे हैं हमें क्या करना है, पहले इसको देख लेते हैं। हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ठीक है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है किस प्रोसेस के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू। ठीक है, डू ऑल द सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजिली, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। ठीक है, यहाँ पर ये बात की जा रही है कि क्यों यहाँ पर वो जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं तो उसमें जो हैंडल्स होते हैं, उन हैंडल्स में हम यहाँ पर प्लास्टिक क्यों लगाते हैं। वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम फ्लेम पे रखते हैं तो धीरे धीरे वो गर्म होता जाता है और गर्म होते होते वो यहाँ तक गर्म होने लगता है, जिसकी वजह से फिर हम उसको ईजिली पकड़ नहीं पाते हैं और या तो हमारा हाथ जल जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होल्डर लगा दिए जाते हैं होल्ड करने के लिए, प्लास्टिक के या वुडन, ताकि हम उसको ईजिली होल्ड कर सकें। यानी कि हमें समझ में आया कि सॉलिड्स में जो कंडक्ट करते हैं हीट को वो है मेटल्स। ठीक है, और जो वुड है हमारी, प्लास्टिक है, वो क्या है, नॉन कंडक्टर्स हैं, या हम कह सकते हैं पुअर कंडक्टर्स हैं। तो वो जब कंडक्ट ही नहीं करते तो इस वजह से वो गर्म नहीं होते और वहाँ पे हीट का कंडक्शन नहीं होता। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं एक्टिविटी 4.7, जो कि ऊपर हमें बीकर में दिख रही थी। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे आपको एक बीकर लेना है और बीकर में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देना है, कुछ मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स, जैसे कि आपके प्लास्टिक हो गया, स्केल, रूलर हो गया, ये पेंसिल हो गई, और यहाँ पर कुछ हमें आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें जो डिवाइडर या कंपास है वो आपको इसमें डाल देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हीट करना है। जैसे हम हीट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, या अगर गर्म पानी में भी हम इसको डाल देंगे तो हम देखेंगे ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें जो हमारे मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और जो नॉन मेटालिक हैं वो क्या हो जाएंगे, वो जैसे उनका टेम्परेचर होगा वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो हमें इससे यही समझ में आया कि कंडक्शन हमें बहुत सारे मटेरियल में यहाँ पर देखने को मिला, कि किस तरह से आर्टिकल्स में चेंज है। स्पून है तो वो गर्म हो रहा है, प्लास्टिक स्केल है तो वो नॉर्मल रह रहा है। ठीक है, पेंसिल है तो वो भी उसका नॉर्मल टेम्परेचर है, डिवाइडर है तो वो गर्म हो जा रहा है। रीज़न यही है कि जो कंडक्टर हैं हीट के उनका टेम्परेचर पे इफेक्ट आएगा, अदरवाइज इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी बात को बताया जा रहा है कि कंडक्शन की प्रोसेस किस में होगी, जो कि कंडक्टर्स होंगे उनमें ये प्रोसेस होगी। द मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली इज कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, कंडक्टर ऑफ हीट कहलाएंगे। और उनके एग्जांपल है हमारे मेटल्स, यानी कि एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है उसके एग्जांपल्स हैं। और जो मटेरियल हीट को कंडक्ट नहीं करते, अलाउ नहीं करते, तो वो क्या कहलाते हैं, पुअर कंडक्टर्स कहलाते हैं। और उनके एग्जांपल्स हमारे हो गए प्लास्टिक है, वुड है। ठीक है, और अगर हम उसको अदर नाम से कहें, पुअर कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स भी कहते हैं, जिससे हीट का फ्लो नहीं होता, जिसमें हीट का फ्लो नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, पुअर कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स कहलाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, कंडक्शन प्रोसेस पढ़ा, और कंडक्शन कौन कर रहे हैं, कंडक्टर्स कर रहे हैं। कंडक्टर्स कौन है, मैक्सिमम आपके मेटल्स होंगे जो कि कंडक्शन करेंगे।
ठीक है, तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ा, प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को पढ़ा। अब बात करते हैं कि द वाटर आर एंड एयर, यानी कि पानी और हवा क्या होते हैं, हमारे बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के लिए। ठीक है, इस बात को मैं याद रखना है कि जो वाटर और एयर है ये पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के। देन हाउ डज हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस इन दीज सब्सटेंस, तो किस तरह से इसमें हीट ट्रांसफ़र होती होगी हम ये देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं एक्टिविटी 4.8, जिसमें हमें क्या करना है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। आपको फ्लास्क दिखा लेते हैं, ये जो एक्टिविटी है मैं आपको ऐसे बोलती जाऊंगी और आप लोग समझ लेंगे, यहाँ पे पिक्चर पे देखना ज़रूरी है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क ले रहे हैं जो नीचे से राउंड हो, और फिर हमें यहाँ पे एक बर्नर लेना है और ये ट्राइपॉड स्टैंड लगा के, यहाँ पे फिल्टर पेपर आपका ये गॉज होती है ये लगा के, और इसमें हमें पानी ले लेना है वाटर, और इसमें हमें डाल देना है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक है, हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये अभी हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है। अगर हम खाली वाटर ले लेते तो हमें पता नहीं चलता कि ये किस तरह से फ्लो हो रहा है। तो देखिए, जैसे जैसे हीट होती है तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का पिंक कलर होता है, ठीक है, इसका जो पिंक कलर होता है इसलिए हम इसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, धीमे धीमे देखिए ये उठेगा और उठ के सर्फेस तक जाएगा, क्योंकि गर्म हो रहा है, गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, हॉट एयर हल्की होने की वजह से ऊपर उठती है। तो जैसे जैसे ये गर्म होगा, गर्म होते होते ये सरफेस तक जाएगा, सरफेस तक जाते जाते ये ठंडा होगा, यहाँ पे इसके चारों तरफ वेपर्स आ जाएंगी, ये वेपर्स फिर कूल होंगी और कूल होके वापस फिर आएंगी, और ऐसी प्रोसेस जब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका ये पूरा वाटर ख़त्म ना हो जाए। अब एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, वन वाटर इज़ हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, हॉट वाटर राइस अप, ठीक है, वो ऊपर की तरफ उठेगा और जो कोल्ड वाटर होगा वो नीचे की तरफ डाउन होगा, और एक तरह से ये साइकिल पूरी चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो दिखा रहे हैं ये एक तरह से ये ऐसे उठेगा और ये नीचे फिर ठंडा होकर नीचे आएगा, और इस तरह से ये जब तक होता रहेगा जब तक कि ये पूरा पानी यहाँ से ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इसमें जिस तरह की हीट ट्रांसफ़र हो रही है लिक्विड के अंदर हो रही है, वाटर में हो रही है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। पहले हमने पढ़ा था कंडक्शन, जिसमें क्या हो रहा था, हीट फ्लो हो रही थी, हीट ट्रांसफ़र हो रही थी, लेकिन वाटर में कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है ये हमने पढ़ा किस प्रोसेस के थ्रू, कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो दो हमने प्रोसेस पढ़े, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर, इन विच डायरेक्शन एंड डज द स्मोक गो, द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस, द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स into the take it place, in this way the air gets heated and the following activity confirms this idea। ठीक है, हमको ये बात समझ में आ रही है कि इसके बीच में साइकिल चलती है और जो हॉट एयर होती है वो ऊपर उठती है, फिर उसकी जगह लेने के लिए यहाँ से धीरे धीरे जो वेपर्स होती हैं वो चेंज होती हैं वाटर में, वाटर ठंडा हो के नीचे आता है और उसकी जगह को लेता है, तो इस तरह से ये एक साइकिल चलती है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया कन्वेक्शन प्रोसेस को, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिविटी 4.9 को, जिसमें एक कैंडल के थ्रू एक्सपेरिमेंट किया गया है, कैंडल को जलाया गया है और उसका इसको बहुत ही केयरफुली आपको करना है ऑब्जर्वेशन में, ताकि आपका हाथ न चले। इसमें हमें ये देखना है कि एक हाथ तो हमें साइड में रखना है कैंडल के और एक हाथ जस्ट ऊपर रखना है, इतने ऊपर रखना है कि हमारा हाथ ना जले। अब हम उसमें क्या नोटिस करते हैं, नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाई कन्वेक्शन। ठीक है, क्या हो रहा है कि जो एयर हो रही है वो गर्म हो रही है कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, जिसकी वजह से हमें हाथ को गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि जो ये कैंडल है इसके और हाथ के बीच में एक्चुअल में क्या एयर ही तो है। ठीक है, तो जब गर्म होती है तो वो हमें फील होती है हॉट, जो ऊपर की तरफ हाथ है, लेकिन जो साइड में है हमारा हाथ उसमें क्योंकि कन्वेक्शन नहीं हो रहा इसलिए वो हमें गर्म फील नहीं होता और हम साइड में आराम से उसको रखे रहते हैं। इससे हमें ये बात पता चलती है कि जब भी एयर, ठीक है, जब गर्म होगी तो वो हमेशा हल्की हो जाएगी और हल्की होने के साथ वो ऊपर की तरफ उठेगी। जब वो ऊपर उठेगी उसके बाद जब वो ऊपर जाते हैं तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि इससे कांटेक्ट बहुत दूर हो जाएगा, वो ठंडी हो गई, ठंडी होके वो साइड में ऐसे आके वापस आएगी, और ये ऐसे फ्लो चलता रहता है। ठीक है, ये नेचुरल है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। ठीक है, दो हम ब्रीज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और ये ब्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, कोई इशू नहीं है, इसको हम डायरेक्ट अपने पिक्चर से इसको देखते हैं, ये आपको पूरा हम अच्छे से बता देंगे उसी के थ्रू।
देखिए सिंपल सी बात है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये डे टाइम है, दिन का टाइम है, ऑब्वियसली यहाँ पे सूरज है, सन है, सन रेज यहाँ तक आ रही हैं, और ये आके ये लैंड है और ये हमारा ओशन, दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो लैंड होती है वो ज़्यादा तेज़ी से गर्म होती है, और जो चीज़ ज़्यादा तेज़ी से गर्म होगी वो उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से ठंडी होगी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, जो चीज़ जितनी तेज़ गर्म होती है उतनी ही तेज़ ठंडी होती है। इसी तरह से ये वाटर है, तो वाटर जितना देर में गर्म होता है तो उतनी ही देर में ठंडा होता है, ठीक है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए। अब दिन के टाइम पे एक्चुअल में क्या होता है कि इन दोनों का अगर कंपेयर करें तो ये ज़्यादा तेज़ी से गर्म होती है। तो जैसी सन रेज आपके यहाँ पे पड़ेंगी तो यहाँ पे जो लैंड है ये गर्म हो जाएगी, और गर्म होने की वजह से यहाँ हॉट एयर जो है वो हॉट एयर हल्की होने की वजह से ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ पे जो भी इसका स्पेस था वो यहाँ पे खाली हो जाएगा, यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा, तो यहाँ से जो ब्रीज़ है वो यहाँ की तरफ चलेगी, ठीक है। यहाँ से ब्रीज़, क्योंकि ये ठंडी है, हल्की है, तो हल्की होने की वजह से ये इधर इसकी एरिए को कवर करेगी। अब जब ये यहाँ से इधर आएगी और ये ऊपर की तरफ जा रही है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो धीरे धीरे ये क्या होगी, ठंडी होना शुरू होगी, और ठंडी होते होते फिर ये इधर की तरफ आएगी और इसमें मिल जाएगी। तो इस तरह से ये ऐसे चलता रहता है, हॉट एयर और कूल एयर का इस तरह से साइकिल चलती रहती है, जैसे कि यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये हॉट एयर हमारी उठी ऊपर, यहाँ पे स्पेस खाली हुई, फ़ौरन यहाँ से आपकी ये यहाँ से कूल एयर यहाँ आई, ठीक है, और ये आगे बढ़ी, ठंडी हुई, ठंडी होते होते ये ऐसे हो गई, ठीक है। तो दिन की टाइम जो होगा वो यहाँ पे ये होगा, अच्छे से समझ लीजिए। फिर अभी बताते हैं कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होती है, लेकिन ये याद रखिएगा दिन के टाइम क्या होना है और रात के टाइम क्या होना है। जो रात का टाइम होगा उसमें जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। अब दिन भर हमारा पानी जो है वो बहुत ज़्यादा तप चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, ठीक है। तो हमने बताया था कि जब भी कोई चीज़ देर में गर्म होती है तो वह देर में ठंडी होगी, और जो चीज़ जल्दी गर्म होती है वो जल्दी ठंडी होगी। तो रात के टाइम पे जो लैंड है वो हमारी ठंडी हो चुकी है, ठीक है, और जो हमारा वाटर है वो अब गर्म है। तो क्या होगा, यहाँ से हॉट एयर ऊपर उठेंगी, यहाँ पे स्पेस हो जाएगा, अब ये जो लैंड के कूल जो एयर से एयर है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, और ये ट्रांसफ़र होकर ऐसे फिर ये हॉट हॉट टू कूल ये चलता रहेगा। तो दिन में क्या होगा, आपकी हॉट एयर लैंड की तरफ से उठ रही है, और नाइट में क्या होगा, हॉट एयर आपकी सी की तरफ से उठेगी। ये डिफरेंस है। अब पढ़ते हैं एक्चुअल में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होता क्या है। तो देखिए, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज, ठीक है। जो सी की तरफ से हवा आती है उसे हम कहते हैं सी ब्रीज, ठीक है। और यहाँ पे बात करें, द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी, जो ठंडी हवा है वो कहाँ से मूव कर रही है, लैंड की तरफ से सी की तरफ मूव कर रही है, वो कहलाती है लैंड ब्रीज, ठीक है। आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि सी ब्रीज एक्चुअल में क्या है और लैंड ब्रीज एक्चुअल में क्या है, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज़, हाँ यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो घर हैं वहाँ पे विंडोज़ ऐसे सी की डायरेक्शन में बनाई जाती हैं ताकि जो ठंडी हवा है वो सी ब्रीज जो है वो आती रहे और उनके घरों में ठंडा होता रहे, ठीक है। ये याद रखिएगा, सी ब्रीज क्या है, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड, जो सी की तरफ से आ रही है वो सी ब्रीज है, जो लैंड की तरफ से आ रही है वो लैंड ब्रीज है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब किस डे टाइम में क्या हो रहा है, नाइट टाइम में क्या हो रहा है, ये अलग पॉइंट आता है, ठीक है। ये कौन सी आपकी है, ये सी ब्रीज है, और ये क्या है आपकी, लैंड ब्रीज है। सी ब्रीज आपकी कब आएगी, डे टाइम में आएगी, और जो आपकी लैंड ब्रीज है वो नाइट टाइम पर चलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत सिंपल है, सी और लैंड का में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। जिसकी हवा उसका नाम, लेकिन बात आती कन्फ्यूज बच्चे इसलिए होते हैं क्योंकि ये डे और नाइट का मैटर हो जाता है। तो डे में कौन सी चलेगी, सी ब्रीज चलेगी, ठीक है, क्योंकि वो ठंडी है, हल्की हल्की ठंडी हवा, ऑब्वियसली ठंडा पानी है, तो डे टाइम में, और जो नाइट में लैंड ब्रीज, इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम सन के कांटेक्ट में आते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो क्या होता है, हमें गर्मी महसूस होती है। तो या ये क्या कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है या कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है, तो ऑब्वियसली ये दोनों प्रोसेस के थ्रू नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसमें मीडियम नहीं होता कोई। क्योंकि अगर हम देखें तो अर्थ के चारों तरफ जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके बाद जो सन है उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो
उसके बीच में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं, कोई भी मीडियम नहीं है, ठीक है। तो ये जिस प्रोसेस के थ्रू सनलाइट हमारे अर्थ तक आती है वो प्रोसेस हमारी कहलाती है रेडिएशन, ठीक है। इसको याद रखिएगा, हमने पढ़ा कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन और फिर रेडिएशन। कन्वेक्शन और कंडक्शन में हमें मीडियम की ज़रूरत थी, लेकिन रेडिएशन में हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ये बात अच्छे से याद रखिएगा। तो सन से लाइट जो हमारी अर्थ तक आ रही है वो किस प्रोसेस के थ्रू आ रही है? रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू आ रही है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय द प्रोसेस, ठीक है। तो इसी प्रोसेस के थ्रू हम गर्म हो जाते हैं, हम जब उसके सामने बैठे होते हैं हीटर के सामने, तो हमें जो गर्मी मिलती है वो रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू ही मिलती है। या कोई भी यूटेंसिल होता है, खाना हीट दी जाती है जब तक वो गर्म रहता है, जैसे ही हटाते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, तो ये भी रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू ही होता है। ऑल हॉट बॉडी रेडिएट करते हैं हीट को, ठीक है, और जब तक कि वो करते रहते हैं जब तक कि जो भी बराबर की ऑब्जेक्ट्स है वो उसके बराबर टेम्परेचर ना हो जाए, ठीक है। तो जो भी होगा वो एक जो जो आपकी हीट को निकालेगा वो रिफ्लेक्टर कहलाएगा, और जो एब्जॉर्ब करेगा वो एब्जॉर्बर कहलाएगा। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट, ठीक है। यू आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गॉट आउट इन द सन, जब हमें बाहर जाना चाहिए तो अम्ब्रेला का यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या हो जाता है बीच में एक सरफेस हो जाती है और हमें सन की डायरेक्ट लाइट नहीं मिलती, जिससे हमारी बॉडी को आराम मिलती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हम किस तरह के कपड़े, जो कि हमने शुरू में की थी कि हम किस तरह के जो कॉटन क्लोज है, वुलन क्लोज है, उनकी बात की थी, अब कॉटन में भी हम ये कलर की बात करेंगे कि किस तरह के कपड़े हमें समर में पहनना चाहिए और किस तरह के विंटर में पहनना चाहिए। तो देखिए, जो लाइट कलर्ड कपड़े होते हैं, वाइट हैं लगभग, तो उनको हमें गर्मियों में पहनना चाहिए, और जो डार्क कलर्ड होते हैं उनको हमें विंटर्स में पहनना चाहिए। क्यों? रीज़न अब हम इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो एक्टिविटी के थ्रू इसे समझते हैं कि हमें दो कंटेनर्स या कैंस ले लेना है, और एक को वाइट कलर पेंट कर देना है और एक को ब्लैक कलर, और दोनों में पानी डाल देना है, ठीक है। पोर इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर, ठीक है। हमें एक घंटे के लिए उनको सन के सामने रख देना है। अब जब हम उसको मेजर करेंगे तो देखेंगे कि जो ब्लैक कलर का पेंट है कैन, वो ज़्यादा गर्म है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है इन कम्पेयर टू वाइट। तो इसी वजह से ये होता है कि जो ब्लैक चीज़ कंटेनर्स होते हैं वो जितनी जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और उतनी जल्दी निकालते हैं, तो ये हीट को बहुत ज़्यादा क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हम गर्मियों में क्या करते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, और विंटर्स में ब्लैक या डार्क कलर पहनते हैं। ये पढ़ लेते हैं, वी ऑफन यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल वुड टू कीप आवर हाउसेस कूल और वार्म। Is it warm? Is it possible to construct buildings that are not affected much by heat and cold outside? ठीक है, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह का एटमॉस्फेयर होता है, टेम्परेचर है या वेदर है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने घरों को बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा अफ्रीका का रीजन है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कई लेयर बनाएंगे जिससे कि हमारे घर को गर्मी से बचा सके, क्योंकि वहाँ पे सब डेजर्ट है, ठीक है। तो लेकिन आप इंडिया की बात करें तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हम हर तरह का वेदर देखते हैं, यहाँ पे विंटर्स भी होते हैं, यहाँ पे ना बहुत ठंडक पड़ती है ना बहुत गर्मी पड़ती है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो जो हाउसेज या बिल्डिंग्स बनते हैं वो एक नॉर्मली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, लेकिन और जगह क्या होता है, अलग अलग तरह से चीज़ों को बनाया जाता है। अगर वहाँ पर बहुत गर्मी है तो कई लेयरिंग की जाती है ताकि वो गर्मी अंदर घरों तक नहीं पहुँच जाए, या उनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत मोटी तैयार की जाती हैं, उन पर जो पेंट किया जाएगा वो बहुत ही लाइट किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब हम अपनी एक्टिविटी 4.11 पढ़ते हैं। इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, पढ़ते हैं। फिल द टू कैंस, हमें कैंस को फिल करना है हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर 60°C। लीव द कैंस इन द रूम इन अ शेड। नोट दैट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 minutes, डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि जो भी ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं, टू कैंस हमने यहाँ पे फिल की थी, ठीक है, सेम अमाउंट हॉट वाटर डाला था, सेम टेम्परेचर रखा था, कुछ देर के लिए हमने उनको शेड में छोड़ दिया था, फिर जो भी उनका फॉल हुआ वो एक, उनका जो भी टेम्परेचर गिरा वो बराबर का गिरा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस होती है, अगर टेम्परेचर किसी एक का ज़्यादा होता है, किसी एक का कम होता, तो वो एक दूसरे का टेम्परेचर गिरता भी अलग अलग, लेकिन यहाँ पे क्या था, क्योंकि सेम टेम्परेचर था, सेम अमाउंट था, तो इसकी वजह से जो भी टेम्परेचर लेवल गिरा वो दोनों का बराबरी से गिरा, ठीक है। तो ये बात हमें इजीली समझ में आती है। डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू दैट द रीज़न व्हाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स,
ठीक है, यहाँ पे हम ये समझ चुके हैं कि हमें विंटर्स में क्यों डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों जो समर्स है उनमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब ना करें। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि वुलन क्लोथ्स किस तरह हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं विंटर्स में। तो देखिए, जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ऐसे जो वुलन होता है ना, ऐसे इस तरह की इसमें निटिंग की जाती है, तो उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, और स्पेसेस में क्या हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है। जब एयर ट्रैप हो जाती है तो वो हमारी बॉडी की जो गर्मी है उसको ना बाहर निकलने नहीं देती, जिसकी वजह से हम गर्मी फील करते हैं और हमें अच्छा लगता है। ठीक है, उससे आराम हो जाती है। इसी तरह से एक और एग्जांपल दिया जा रहा है कि अगर हम एक मोटा ब्लैंकेट ओढ़ें और एक पतले पतले दो ब्लैंकेट ओढ़ें, तो जो मोटा ब्लैंकेट है वो इतना गर्म नहीं करेगा इन कंपेयर टू पतले दो ब्लैंकेट। रीज़न क्या है, वहाँ पे थ्री लेयर बन जाएंगी, एक तो हमारा ब्लैंकेट जो पतला है, उसके बाद जो दूसरा ब्लैंकेट है वो, और उसके बीच में जो एयर की एक लेयर बन गई, जिसकी वजह से ये ज़्यादा गर्म होगा इन कंपेयर टू सिंगल ब्लैंकेट। ठीक है, लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये इस लेयरिंग को ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि एयर ट्रैप हो जाती है और वो टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन रखती है। अब कीवर्ड्स की बात करें तो हमने कीवर्ड्स सारे इसके कवर कर लिए हैं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो बचा हो। ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ये पूरा समरी दे दी गई है जो कि हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं। सीधा जाते हैं, स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लैबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। अगर सिमिलैरिटीज की बात करें तो ग्लास ट्यूब का बना होते हैं दोनों लोग, ठीक है, दोनों में मरकरी होता है, दोनों में स्केल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर डिफरेंस की बात करें तो जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें क्या होता है, किंक होता है, जबकि जो हमारा लैबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें किंक नहीं होता। इसमें जो रेंज होती है वो होती है 35 से 42, और इसमें जो रेंज होती है वो होती है -10 to 110 degrees Celsius। ठीक है, ये इसमें दो डिफरेंस आपको बता दिए गए, और आप भी सोचिए और बताइए कि इसमें और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि ये ह्यूमन बॉडी के लिए और ये ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और किंक की वजह से इसमें ये डिफरेंस आ जाता है कि इसमें टेम्परेचर गिरता नहीं है, और इसमें जैसे ही हम जो भी ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर ले रहे होते हैं, जैसे ही उसको उसके कॉन्टेक्ट से हटाते हैं, इसका टेम्परेचर गिरने ही लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच कंडक्टर, तो इसका एग्जांपल हमारा हो गया एल्युमिनियम, कॉपर। ठीक है, इंसुलेटर्स की बात करें तो क्या हो गया, वुड और प्लास्टिक। हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर से हम मेजर नहीं कर सकते, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन या कंडक्शन। क्या होगा आप लोग के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कंडक्शन लिखें या कन्वेक्शन लिखें? तो देखिए, जब यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये बीकर में कोई बीकर ही ये कह रहे हैं या कप है, उसमें मिल्क रखा है यहाँ पे, और हमने क्या डाल दिया, स्पून डाल दिया, तो कंडक्शन सॉलिड में हो रहा है ना, तो सॉलिड में होने की वजह से हम क्या कहेंगे, कंडक्शन। ठीक है, नॉट कन्वेक्शन, कंडक्शन। अब बात करते हैं क्लोथ्स की। क्लोथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट डार्क। लैंड ब्रीज कब ब्लो करती है, और सी, ये बहुत इजी है, जो हमारी सी ब्रीज होती है वो हमारी दिन में यानी कि डे में करती है, और जो लैंड ब्रीज होती है वो नाइट में। डार्क कलर के क्लोथ्स हम विंटर्स में पहनते हैं और लाइट कलर के क्लोथ्स हम समर में पहनते हैं। डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग द विंटर कीप्स, ये हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से। इस पिक्चर में हमें बताना है कि कहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है। तो देखिए, जब ये आपका इसको गर्म कर रहा है तो ये किस प्रोसेस के थ्रू कर रहा है, रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू कर रहा है। ये मेटल का हैंडल धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ तक गर्मी पहुँचती है, तो ये मेटल के अंदर हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, CONDE। ठीक है, कंडक्शन। और जो ये वाटर में जो वेपर्स निकल रही हैं, धीरे धीरे गर्म हो रही हैं और फिर ठंडी हो रही हैं, तो जो वाटर में ये चेंज देख रहे हैं, तो ये हो रही है कन्वेक्शन प्रोसेस। ठीक है, इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ द हाउस बी पेंटेड वाइट।
इसीलिए हल्के कलर रखे जाते हैं ताकि हीट अंदर ज़्यादा एब्जॉर्ब ना हो। ठीक है, यहाँ पे बात करें 1 लीटर ऑफ वाटर है 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ अ मिक्सचर विल बी, क्या होगा? तो इनका टेम्परेचर रहेगा आपका बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस टू एंड 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बात की जा रही है एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर 40 डिग्री सेल्सियस। एक आयरन बॉल है जो कि 40 डिग्री सेल्सियस जिसका टेम्परेचर है वो कि वाटर में डाल दी जाती है इस जिसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा? फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, कोई फ्लो नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि सेम है, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। ठीक है, कोई फ्लो नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर क्या है आपका सेम है, ये बी आपका आंसर यहाँ पर सही होता है। अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये क्या है आपका इंसुलेटर है। तो देखते हैं ऑप्शन, बिकम्स कोल्ड बाय द नो, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, डज नॉट बिकम कोल्ड, ये डी ऑप्शन आपका होगा। स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम, द रीज़न फॉर दिस, कॉपर बॉटम्स मेक द पैन मोर ड्यूरेबल, सच पैन्स अपीयर कलरफुल, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है इन कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो आपकी इस चैप्टर के साथ साथ इसके सारे सॉल्यूशंस भी हो गए हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।